जीतन राम मांझी फिर से पलटी मारेंगे क्या? बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है क्योंकि जीतन राम मांझी भारी गुस्से में नजर आ रहे हैं। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है, मैं हूं अनुराग। खबर बड़ी है क्योंकि बिहार की सियासत में फिर उलटफेर होने वाला है क्या? बड़ा सवाल खड़ा होने लगा है क्योंकि जीतन राम मांझी के जो तेवर है वो ठीक नहीं है। जी हाँ, जीतन राम मांझी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, जिन्हें नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री बनाया और उसके बाद आज जो मांझी जी तेवर दिखा रहे हैं, मांझी जी कह रहे हैं कि जो शराबबंदी लागू की गई है सरकार के द्वारा वो ठीक नहीं है, गुजरात वाला मॉडल लागू किया जाना चाहिए। जीतन राम मांझी तो शराबबंदी पर खुलकर सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं और जो बातें वो बोल रहे हैं, खास करके वो शराबबंदी पर तो चर्चा कर ही रहे हैं, मांझी लगातार बोलते ही रहे हैं, लेकिन जिस तरह से वो 40 सीटों की भी बात कर रहे हैं, यानी उनके मन में कहीं ये भी है क्या कि 40 सीटों पर वो अकेले चुनाव लड़ेंगे लोकसभा का? तो पहले जीतन राम मांझी का वो पूरा बयान सुनिए जो पार्टी के कार्यक्रम में उन्होंने कहा है। आज हमारे पासी समाज के लोग हैं, वो बात कहते हैं तो नीतीश कुमार बिगड़ते हैं। आज शराबबंदी कानून है, शराबबंदी कानून का समीक्षा हम करने के लिए कहते हैं, किए तो, लेकिन हुआ यही क्या कि हाँ शराब पीते जाएंगे तो पकड़ेंगे नहीं, लेकिन उन पर इतना लगा देंगे टैक्स, इतना उसको दंड देंगे कि उतना पैसा देवे नहीं करेगा, वो चल जाएगा जेल में चल जाएगा। आज हमारे साथ हुआ है, हमारे गया से कुछ साथी लोग आ रहे थे, हो सकता है एक दो आदमी दारू पी लिया होगा और वो पी लिया तो समझे गाड़ी को हेल्डअप कर दिया, केस हो गया। ऐसा होना चाहिए, हमारा कहना है कि शराब नीति को नीतीश कुमार जी आप थोड़ा समीक्षा कीजिए। हम तो यही कहते हैं कि ये शराब नीति नहीं चलना चाहिए, गलत है ये नीति, और अगर इस तरह का बंदी उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, झारखंड में, जहां महात्मा गांधी थे, गुजरात में नहीं है पाबंदी, उस मॉडल को आप अपनाइए ना, उसी के तरह यहां कीजिए, सरकार को आमदनी भी होगी और जो पीना चाहते हैं वो पिएंगे भी हिसाब से और काम होता रहेगा। इसलिए ये मत कीजिए जो आज की कर रहे हैं, उसके चलते पुलिस व्यवस्था के लोग बहुत तंग करते हैं हमारे लोगों को। आज 3 लाख के लगभग आज जेल के शिकंजा में हैं या कानूनी कार्रवाई के चक्कर में लोग हैं। हम तो कहना चाहते हैं आज के इस माध्यम से, माननीय नीतीश कुमार जी, आप ही से संभव है, आप इसमें रिजिट नहीं होइए, आप शराबबंदी अच्छी बात है, हम आपसे कहना चाहते हैं, 80 बरस हम उम्र है हमारा, हम आज तक हमारे यहाँ शराब बनती थी, शराब हमारे पिताजी माताजी पीते थे, लेकिन हम अपने ठोर पर एक बूंद शराब नहीं लाए, कौन कानून था? वैसे ही आप समाज में चेतना जगाइए कि कोई शराब नहीं पिए, और जहाँ ज़रूरत हो तो जैसे गुजरात में परमिट के अनुसार सब मिलता है, उस तरह से आप शराब की व्यवस्था कीजिए। और उसके बाद ताड़ी को आप ले लीजिए, ताड़ी को तो रोज प्राकृतिक जूस कहते हैं, हम भी कहते हैं, हमारे पिताजी, हम बीमार पड़ गए एक बार, हमको धातु चिंता हो गई, गरीब थे, पैसा नहीं था, तब हमारे बाबूजी कहीं अच्छा हम ठीक कर देंगे, 8 रोज खजूर की ताड़ी हमको उन्होंने पिलाया, आज हमारी धातु सीता 80 वर्ष तक है, बाल बच्चे हुए सोचे, आज ये गुण ताड़ी में है, औषधि है वो, आज उसको काहे बंद करा दिए हैं, लाखों लाख उसमें लगे हुए हैं, रोजगार भी देते हैं लोग। तो इस तरह से रिजिट मत होइए, शराब नीति की आप निश्चित रूप में अलवी कीजिए, घोषणा कीजिए कि हम उसमें हम सर्वेक्षण करेंगे, पूरा विचार करेंगे, अगर ये सब करते हैं तो इसके लिए हम आपको धन्यवाद देंगे, अगर नहीं करते हैं तो भाइयों बंधुओं आपसे हम प्रार्थना करना चाहते हैं
हम लोग जितना सीट से लड़े, कहीं भी रहिए आप लोग, हमारे पार्टी के लोगों को जिताइए। अगर हम 40 नहीं, हम 20 भी जीत के आते हैं तो दावे के साथ कहते हैं कि इस कानून को हम रफा दफा करवा देंगे। ये हम दावे करते हैं। सुन लिया आपने कि क्या कुछ कह रहे हैं जीतन राम मांझी? जीतन राम मांझी जो कह रहे हैं, उनके तेवर जो बता रहे हैं, और यूं कहें कि जीतन राम मांझी साफ साफ कह रहे हैं कि शराबबंदी पर फैसला लीजिए, ऐसे नहीं चलेगा। जिस तरह की बातें वो कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि शराबबंदी के इस कानून की वजह से उनके ही समाज के लोगों को ज्यादा परेशानी झेलना पड़ रहा है, और मांझी जी पहले भी कहते रहे हैं थोड़ी थोड़ी पिया करो, तो मांझी जी फिर वही बात कह रहे हैं थोड़ी थोड़ी पिया करो, और इसके लिए नीतीश कुमार जो कानून बनाए, थोड़ी थोड़ी पीने वाला जो कानून है वो बनाए नीतीश कुमार, नहीं तो मांझी जी चले, शायद ऐसा ही कह रहे हैं। पलटी मारने के पूरे संकेत दे रहे हैं, संकेत यही खत्म नहीं हो रहे हैं, संकेत एक और है, पोस्टर लगे हैं। दरअसल ये पोस्टर लगाया गया कार्यक्रम को लेकर, और उस पोस्टर में जो कुछ लिखा गया है वो भी देख लीजिए आप। मांझी संकेत पर संकेत दे रहे हैं। पोस्टर में जो लिखा गया है, कर दो हर पंचायत में ऐलान, बिहार का मुख्यमंत्री होगा मांझी की संतान। जी हां, जीतन राम मांझी के मन में ये विचार है, या यूं कहे कि उनके अंदर कहीं ना कहीं ये चाहत है उनकी कि उनका बेटा बिहार का सीएम बने। योग्य है उनका बेटा, तेजस्वी यादव से तुलना करते रहे हैं वो बार बार। वैसे में पोस्टर लग गया है, हर कर दो हर पंचायत में ऐलान, बिहार का मुख्यमंत्री होगा मांझी की संतान। ये पटना में सड़क पर कल पोस्टर लगा और चर्चा का विषय बना रहा, सुर्खियां बटोरता रहा। तो क्या मांझी को वो ऑफर याद आ रहा है जो वोट बहुमत के पहले, यानी जो बिहार में जो फ्लोर टेस्ट था उसके पहले जो उन्हें ऑफर दिया गया विपक्ष की तरफ से कि मांझी जी आप आइए, आपको सीएम बना देंगे, महागठबंधन में चले आइए, मांझी ने उस वक्त खुलकर कहा भी था। तो ऐसी स्थिति में मांझी का मन डोल रहा है क्या? मांझी फिर पलटी मारेंगे क्या? कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं, जवाब तो मांझी ही देंगे। और आने वाले वक्त में, क्योंकि अभी लोकसभा चुनाव है, पता चल जाएगा कि मांझी आखिर क्या करेंगे। बने रहिए दर्श न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।